दोस्तों, जब देसी गुलाब का फूल झड़ जाता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पीछे बच जाता है, ये राउंड सा, इसको रोज़ हिप बोलते हैं। और अगर आप इसके 5 से 6 पीस तोड़ के बीच में से काट के 250 ml पानी में उबाल कर 10 से 15 मिनट अच्छी तरह स्टीप कर लेते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्बल टी बनती है, जिसके पीने के अनेक फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है तो ये ओवरऑल इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है आपका। दूसरा, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को ग्लोइंग कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में काम करता है ये, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है, जॉइंट पेंस पे काम करता है और ओवरऑल वेट तो आपका रिड्यूस करता ही है। तो अगर आपके गार्डन में या खेत में कोई भी एक पेड़ है देसी गुलाब का, क्योंकि ये सिर्फ देसी गुलाब में ही होता है, तो आप प्लीज़ इनको इकट्ठा कर लीजिए। ये ताज़ा भी तोड़ के आप इसकी चाय बना सकते हैं, या आप इनको एक जगह इकट्ठा करके सुखा लीजिए और इनका पाउडर बना लीजिए और 2 चम्मच 250 ml पानी में मिला के आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं। हल्की सी रेड कलर की टी हो जाती है। और अगर आपको और अच्छा स्वाद चाहिए तो आप इसमें शहद मिला सकते हैं। तो ये घर बैठे बिना कुछ किए आपको एक बहुत ही बढ़िया ड्रिंक मिल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास भी एक्सेस है देसी गुलाब का तो इसका उपयोग ज़रूर करें। थैंक यू।